खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं छठे चरण की वोटिंग जो शुरू हो गई है, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर जो आ रही है। झारग्राम बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, मिदनापुर वहां पर भी हिंसा हुई है, और ये तस्वीर देख रहे हैं आप। 7 राज्यों की 59 सीटें वोटिंग शुरू, पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा। 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाने हैं, जिसमें खासतौर से जो ट्राइबल सीट्स हैं वो भी इस चरण में शामिल हैं। और किस तरीके से एक बार फिर पश्चिम बंगाल हिंसा की खबर की वजह से सुर्खियों में, ये तस्वीर आपके सामने है। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए किस तरीके की ये खबर आ रही है, झारग्राम बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या और मिदनापुर में क्या हुआ है, इसके बारे में भी तफसील से जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा मालूम होता है कि पश्चिम बंगाल में वोट हो और हिंसा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पहले भी हमने देखा है 5 चरणों में हिंसा हुई है, और कल रात झारग्राम में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या की गई है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया और इस बीजेपी अध्यक्ष की हत्या की। इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर से खबरें आ रही है, 2 नेताओं पर हमला हुआ है। कांथी इलाके में बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया है, वहाँ वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। तमलुक से खबरें आ रही है, तृणमूल के कार्यकर्ता की लाश मिली है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से जहाँ जहाँ वोटिंग होनी है हिंसा की खबरें आ रही है। एक तरफ जहाँ बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है, वही कांथी और मिदनापुर से जो खबर आ रही है तृणमूल के अन्य कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया गया। लोकतंत्र के अंदर डर को हावी करने के लिए इस तरीके की हिंसा जिसे अंजाम दिया जाता है, बिल्कुल। इसके पहले भी हमने देखा है, लगातार आरोप आते लगते रहे हैं कि वोटरों को डराया धमकाया जाता है, और एक रात पहले से ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है ताकि वोटर जो है वो सहमे रहे, वो डरे रहे और अपने घरों से ना निकले। तो इस बार भी छठे चरण में हम देख सकते हैं एक ही आरोप लगातार लग रहे हैं। इसके पहले भी 5 चरणों में जो हिंसा का दौर हमने देखा था, छठे चरण में भी वोट शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। और लगातार ये जो टैक्टिस है, लगातार विरोधी दलों की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जानबूझकर इस तरह की हिंसा करते हैं ताकि वोटर डरे रहे, सहमे रहे और अपने घरों से वोट डालने के लिए ना निकले।